हेलो एवरीवन, दिस इज क्रूडी योगी एके फिश डैड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेटअप करने वाले हैं मेरा पोलर पैरेट का टैंक, या फिर हम उसे कह सकते हैं रीस्केप। सो ये मेरा पोलर पैरेट फिश का टैंक और ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, और मैं इससे बहुत ज्यादा बोर भी हो चुका हूँ। तो हम इसको दोबारा से रीस्केप करेंगे, इसकी ड्रिफ्ट वुड की डायरेक्शन चेंज करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरे पोलर पैरेट कैसे ब्रीड कर रहे हैं और क्या क्या चल रहा है फिश रूम में। सो रीस्केप से पहले हमारा टैंक कुछ ऐसा लग रहा है, और मुझे ड्रिफ्ट वुड और ये वाली ड्रिफ्ट वुड यहाँ पे पता नहीं काई के लिए रख रखी है। ये वाली ड्रिफ्ट वुड यहाँ पे अच्छी लगती है, बट हम इसकी डायरेक्शन थोड़ा चेंज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट टू राइट की तरफ आए, ना कि राइट टू लेफ्ट की तरफ जाए। और ये अच्छी तरीके से ब्रीड भी कर रहे हैं सेटअप में, और साइज देखो आज तो मेरे उंगली के पास भी आ रहे हैं। ये देखो, वो देखो, ये एक मेल, उसकी फीमेल, यहाँ पे बड़ा वाला मेल बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और ये ब्रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा? इनके फ्राइज को देखिए, ये देखो कितने छोटे छोटे, कितने प्यारे प्यारे फ्राइज हैं, और ये ग्रो भी कर रहे हैं, मेरी उंगली काटने भी आएंगे। देखो वो ये बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, और अभी इनमें वो ट्राइंगुलर हेड आ गया जैसे पोलर पैरेट्स का होता है। और एक सैड न्यूज है फॉर एवरीवन ऑन द चैनल, और भी की डेथ हो चुकी है, एंड समहाउ मैं उसे ट्रीट वगैरह भी कर रहा था, बट वी लॉस्ट हर। एंड ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग और दिल हमेशा नंबी रहता है, क्योंकि बहुत सालों से मैं फिश कीपिंग में और पेट कीपिंग में, तो जब भी कोई पेट वगैरह छोड़ के जाता है दिमाग एकदम नंब हो जाता है और कोई फील आता नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स मोर पेनफुल, बट दिस इज हॉबी, दिस इज लाइफ, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। बट और भी ये कुछ यादें देख लो आप, और भी बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, बट नाउ शी इज नो मोर। बट और भी नहीं, जितनी भी हमें हैप्पीनेस दी है, उसी हैप्पीनेस को लेके हम एक न्यू अच्छा सा सेटअप तैयार करेंगे दूसरी फिशेस के लिए, क्योंकि कुछ घटना अगर घट जाती है जीवन में तो उस घटना को लेके बैठ नहीं जाते हैं, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो आज हम एक अच्छा सा सेटअप करेंगे फिशेस के लिए। सो सबसे पहले मैं सेटअप का जितना भी वाटर है उसे सेव कर लूंगा, लाइक 50% to 60%। मैं लेके आ गया हूँ बकेट और मेरा खतरनाक होममेड साइफन। सो अब जल्दी जल्दी करता हूँ इस टैंक को ड्रेन। टैंक हो चुका है 50% ड्रेन, और मैंने पूरा का पूरा 50% वाटर संभाल के रख दिया है इन बकेट्स और टब्स। अगर आप कोई न्यू सेटअप कर रहे हैं तो कृपया करके अपना ओल्ड वाटर को संभाल के रखो, ताकि जो आपका टैंक है वो जल्दी से साइकिल हो पाए या फिर किक स्टार्ट हो पाए। सो इसके बाद मैं रिमूव करता हूँ हार्डस्केप लाइक ड्रिफ्ट वुड, सम रॉक्स, और उसके बाद हटाऊंगा फिशेस को और आपको उनकी ग्रोथ भी दिखाऊंगा। नीचे रखा मैंने टावल ताकि फ्लोर गीला ना हो, वरना गाली खानी पड़ेगी। इसके बाद हटाऊंगा मैं ये, देखो बाबियों चेक करो कितनी सुंदर ड्रिफ्ट वुड है, ये यहाँ पे ऐसे आएगी। ओ पहले नहीं बताना था, समझ जाओगे वरना तुम, मैं कैसा एस्केप करने की सोच रहा हूँ। इसको रखूंगा यहाँ पे, इन्हें थोड़ा सा थॉरली वॉश करना पड़ेगा, बस मैं वॉश क्यों बोल रहा हूँ, वॉश। ये देखो एक बार में सारी निकाल दूंगा, फिशेस को ज्यादा ज्यादा परेशानी नहीं देंगे। ये देखो, ये देखो कितनी सुंदर सुंदर ड्रिफ्ट वुड्स हैं, बिल्कुल वाटर लॉक्ड हैं। इसके बाद निकालता हूं मैं रॉक्स को, और रॉक्स को बहुत आराम से दोनों हाथों से निकालना पड़ेगा। तो अब बैठो थोड़ी देर के लिए ट्राईपॉड में। गन्स चेक करो भाई, पत्थर उठा उठा के
सबसे पहला रॉक जो दिखता है कोरल की तरह थोड़ा सा, और इसकी टेक्सचर बहुत मुझे अच्छा लगता है। सबको निकाल दूंगा आराम से। मुझे लगा था ये रॉक स्लिपरी होंगे बट है नहीं। सेकंड वन, वही तेरी भाई काट रहे हैं। एग्रेशन दिखा रहे हैं आज बाप को। ओ ये आराम से भाई। सो टैंक को मैंने अच्छे से जितना भी हार्ड स्किप वगैरह था जैसे कि रॉक्स और ड्रिफ्ट फूड वो मैंने हटा दिया है। इसके बाद निकालते मेरी प्यारी प्यारी फिशेस को। सो फिशेस को निकाल रहा हूँ मैं इस ब्यूटीफुल से नेट से, वन बाय वन पकड़ूंगा फिशेस को। अच्छा तुम्हें, तुम दोनों को एक साथ ही आना था। ये देखो एक पेयर एक साथ ही आ गया है। मेल का साइज दिखाऊंगा, फीमेल तो फीमेल इट्स लाइक नॉर्मल बट मेल, दिस मेल इज रियली ह्यूज गाइस। कोई जंप नहीं करने का, थोड़ा सा आपका साइज दिखा रहे हैं लोगों को। सो इसको टैंक में डाल देंगे वरना परेशान हो जाएगा। मोर, इट्स अ फीमेल। ये मेरा न्यू वाला मेल है, इसका साइज भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। लास्ट फीमेल। सुबह लोगों सारे का सारा हार्ट स्किप निकाल दिया है, फिशेस को भी बाहर निकाल दिया है। इसके बाद मैं करूंगा टैंक को फुल्ली ड्रेन और टैंक में जितने भी स्क्रैचेस वगैरह है उसको भी साफ कर दूंगा। भाई लोगों टैंक को कर दिया मैंने एकदम साफ एकदम चकाचक, फिशेस को कर दिया बार शिफ्ट, रॉक्स वगैरह भी मैंने धो के एकदम रख दिया, ड्रिफ्ट वुड भी एकदम रेडी है। अब बारी है हमारे सेटअप को रीस्केप करने की। स्केप लग रहा है बहुत ही ज्यादा अच्छा। अभी हार्ड स्केपिंग का काम पूरा हो चुका है, मैंने ड्रिफ्ट रूट लगा दिए लाइक अ फॉलन ट्री और बहुत सारी रॉक्स। ये देखो कैसा लग रहा है, मुझे तो यार बहुत सटीक लग रहा है। इन रियल लाइफ तो बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है, कैमरे पे वो डेप्थ नहीं आ पाती है ढंग से। और ऊपर से देखो क्या ओपी लग रहा है, ऐसा लग रहा है वहां पे एक फॉलन ट्री है और उसकी ब्रांचेस ऐसे गिरी हुई है, उस ट्री का थोड़ा सा हेड है और ये छोटी छोटी ब्रांचेस। इसमें आप डालेंगे सैंड जो कि मैंने यहाँ पे धो के रखी है, सैंड ग्रेवल जो भी बोलो, तो उसको करते हैं इसमें फटाक से ऐड। सो मैंने सैंड कर दिए ऐड और मैंने वॉश भी कर दिए पत्थरों को अच्छी तरीके से ताकि उनमें सैंड ना रहे। यहाँ पे थोड़ी सी बच गई है बट स्केप लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। थोड़ा सा फॉगी हो रखा है क्योंकि होता ही है जब भी हम न्यू सबस्ट्रेट डालते हैं या फिर सबस्ट्रेट को थोड़ा सा स्टिर करते हैं, और मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है पसीने से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। एंड इसके बाद मैं भरता हूँ इसमें पानी जो कि हमारा सबसे मेन स्टेप है। परफेक्ट।
मैंने 90% भर दिया है, मैंने ज्यादातर ओल्ड वाटर यूज करा है, न्यू वाटर मैंने थोड़ा सा कम यूज करा है, अभी इसमें थोड़ी बाल्टी और आ जाएगी तो टैंक अच्छे से फिल हो जाएगा। और मैं यूज करने वाला हूँ अब ये एल सॉल्यूशन का एक्वेरियम वाटर कंडीशनर है, एंड ये फिश मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकते हैं, 100% नेचुरल है, इसमें आलमंड एक्सट्रैक्ट है, आप भी ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं इसकी कुछ कैप्स यूज करूंगा फॉर वाटर कंडीशनिंग के लिए, क्योंकि अभी सेटअप न्यू न्यू है, वाटर भी थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा है क्योंकि न्यू न्यू सेटअप हुआ है। इसमें फिल्टर भी ऐड करेंगे और हमारा प्लांट होल्डर भी, इसको तो अच्छे से एक शेक देंगे। और इसमें लिखा है कुछ कैप फुल फॉर 10 to 15 liters ऑफ वाटर, तो मुझे कम से कम आधा बॉटल डालना पड़ेगा। ये देखो येलो येलो, इसके बाद ऐड करते हैं इसमें फिल्टर और हमारा प्लांट होल्डर। सो फिल्टर लगा दिया मैंने अपनी जगह पे और प्लांट होल्डर भी लगा दिया, इसमें एक छोटा सा ब्यूटीफुल फ्लावर भी आ रखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद करते हैं चालू फिल्टर को और फिशेस को एक्लिमेट करके डालते हैं टैंक में। सो ये चालू हो गया फिल्टर और फिशेस को भी मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अभी थोड़ी सी वो स्ट्रेस्ड हो चुकी हैं, थोड़े से उनके कलर अभी डल हो चुके हैं, अभी इनको करते हैं एक्लिमेट्स अराउंड 30 मिनट्स के लिए और फिर उन्हें ऐड करेंगे हमारे टैंक में। मैं मिलता हूँ आपसे 30 मिनट के बाद। सो अब हो चुके हैं 30 मिनट्स और फिशेस हो चुकी है अच्छे से एक्लिमेट, उनको करता हूँ टैंक में ऐड। सो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें इस वाले नेट से पकड़ पकड़ के ही डाल दूंगा आराम से। ये देखो एक मेल एक फीमेल गोइंग इनसाइड द टैंक। वो देखो वहाँ पे जाके बैठ गए, पानी बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, अभी लगेगा पानी को साफ होने में 2 से 3 घंटा। आ जाओ, वेरी गुड। वो देखो अपने टैंक को चेकआउट कर रहे हो, भयंकर क्या सुंदर लग रहे हैं। टैंक नीचे नीचे पे साफ है, ऊपर ऊपर थोड़ा सा गंदा हो रखा है। एक और फीमेल बची है, कहाँ गई? इसको मैं ऐसे ही कप निकाल लूंगा। इसका कुल्हड़ रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? एक कुल्हड़ रख दिया हमने यहाँ पे और एक कुल्हड़ रखेंगे वहाँ पीछे की तरफ, ये वाला। वो देखो एक इधर और एक वहाँ पीछे। टैंक अभी बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। फिशेस हो चुकी है अपने टैंक में ऐड, बट अभी टैंक थोड़ा सा क्लाउडी है, तो मैं मिलता हूँ आपसे 1 दिन के बाद जब ये टैंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और हम फिशेस को तब फीड भी करेंगे। ये नेक्स्ट डे फिशेस का टैंक एकदम साफ हो चुका है, अ लिटिल बिट ऑफ हेज है बट टैंक पहले से बहुत ज्यादा साफ हो चुका है। फिशेस को दिखाता हूँ आपको, फिशेस अभी थोड़ी सी डरी हुई है, फीमेल्स बाहर घूम रही है, मेल्स वहां पे थोड़ा सा लड़ रहे हैं एक दूसरे से, बट टैंक एकदम सुंदर सुंदर लग रहा है। देखो दूर से देखो, पहले सेटअप बहुत ज़्यादा अलग था और अब एकदम ही अलग हो चुका है, एकदम बिल्कुल फॉलन ट्री लग रहा है। वहाँ पे देखो ब्रीडिंग नेचर दोबारा से शो करने लग गया है, वहाँ पे बेफालतू में लड़ाई वगैरह भी हो रही है और फिशेस भूखी भी है, तो फिशेस को भी खाना भी देते हैं। मैं दे रहा हूँ ये वाला फूड, इवन फिश फूड, इसको यहाँ पे रखेंगे, जल्दी से खोलेंगे, एक पिंच लेंगे, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और फिशीज आ गई। वो देखो डोली, यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, फटाक से आ जाएंगे। वो देखो मील्स को क्या हो गया भाई, मील्स बुद्धू हो गए, वो आ गया, गए पकड़ लिया। मील्स वगैरह भी खा रहे हैं, वो वाला मील पता नहीं क्या कर रहा है भाई वहाँ पे।
उनके बीच में शायद लड़ाई हो रही है वहाँ पे थोड़ी, मुझे इनमें से शायद किसी को सेपरेट भी करना पड़ सकता है। बट फिशेज अपना फूड इंजॉय कर रही हैं, टैंक को इंजॉय कर रही है, वहाँ ऊपर देखो क्या मस्त तरीके से खा रही है। सो फिशेज तो अपना फूड इंजॉय कर रही है। अगर आपने वीडियो इंजॉय करी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड ऐसे ही व्लॉग आपको देखते रहेंगे। एंड मुझे फॉलो कर लो ऑन इंस्टाग्राम, मैंने इच्छे इसका लिंक डाल दूंगा वहां पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।